for the question of the day series, and we have seen some good questions of bar, and we have seen how we can save our time while doing questions of bar. Let us see one question. If one question is there, a question aapko de rakha hai, x is equal to 0.38952 bar. तो इसको आप कितने कम समय में कर सकते हैं, यू कैन डू लाइक दिस, क्योंकि बार दो के नीचे है तो हम 99 लिखेंगे और तीन के ऊपर बार नहीं है इसलिए हम 30 लिखेंगे. अच्छा, नाउ वी राइट द नंबर एंड सब्ट्रैक्ट दिस नंबर. तो जो नंबर हमको मिलेगा क्या मिलेगा, 12 में से 3 है, 9 गए 3, 14 में से 6, 8 में से 5 और 38, ये हमको नंबर मिलने वाला है. अच्छा, मैंने बोलने में इतना टाइम लिया, अदरवाइज ये क्वेश्चन हमारे बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो वो इसको कितने सेकंड में कर लेंगे, 10 सेकंड्स में. तो क्या क्वेश्चन था जो मैंने पहले आपको एक रूल लिखवाया था, उसमें केवल आप ये ऐड कर लें, क्या ऐड कर लें, जो रूलिंग थे उसमें यही रूल करने, राइट नंबर, क्या लिखना पड़ेगा, राइट नंबर फॉर्म्ड बाय रिमूविंग डेसिमल एंड बार. राइट नंबर फॉर्म बाय रिमूविंग डेसिमल एंड बार, ठीक. और क्या करेंगे, राइट नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट्स गिवन विदाउट बार. एक एग्जांपल देखते हैं, बी देखो दोबारा, एक हमारे पास दे रखा है एग्जांपल एक्स इक्वल टू 0.47. तो ये हमने कल भी किया था, टाइम कितना कम लगा, इसको हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, राइट द नंबर फॉर्म्ड बाय रिमूविंग डेसिमल हटाया, बार हटाया, 47 हो गया. फिर राइट द नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट्स गिवन विदाउट बार, ये हटाया और ये हटाया, क्योंकि इसमें तो मैंने सिंपल लिखा हुआ है, जिनके बार नहीं है उनका नंबर है, ठीक. यहां लिख सकते हैं डेसिमल रिमूव, आल्सो रिमूव डेसिमल, ये भी बोल सकते हो, आल्सो रिमूव डेसिमल. तो क्या मिला मुझे, 4 मिला, ठीक. इन दोनों नंबर का मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन. तो न्यूमरेटर बराबर ये हो जाएगा हमारा, ये बस आप इतना ऐड कर लो, जो न्यूमरेटर में ये लिखना है हमको. तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे और जो आएगा सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 4, क्या आ जाएगा, 43. मैं इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं, मैं ये आपको सीरियल 15 में ही बता सकता था, लेकिन अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है. एक एग्जांपल कर लेते हैं, सी पार्ट एक और कर लेते हैं. एक्स था 0.2285, ये मेरे पास बार है, ये 85 रिपीट हो जा रहा है. तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, डायरेक्ट देखना, तीन के बाद बार नहीं है, मतलब तीन के ऊपर बार नहीं है, दो के ऊपर बार है. नंबर फॉर्म क्या हुआ, बार हटाने के बाद, विदाउट बार के बाद, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3502299000. ये क्वेश्चन आपका बन गया, देखो आप लोग. नाउ आई एम इंक्रीजिंग द क्वेश्चन ऑफ लेवल. मैं क्वेश्चन का लेवल मैं बढ़ाता हूं और क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है
4.47. अब तक आपके पास क्या क्वेश्चन था? अब तक आपके पास क्वेश्चन था 47. आपके पास क्वेश्चन ये था, अब क्वेश्चन ये आ गया है और मैं दोनों क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपके सामने विद नो टाइम. ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूं, यहां दोनों के ऊपर बार है, यहां एक के ऊपर बार है. तो क्या सॉल्व करना है मुझे? मुझे सॉल्व करना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? दो डिजिट हैं, उतने ही नाइन लगने वाले हैं क्योंकि डेसिमल के बाद रूल वही है. डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? दो डिजिट हैं, तो नीचे दो प्लेस हो जाएंगे और नाइन नाइन लिखना पड़ेगा क्योंकि जीरो जीरो लगा ही नहीं सकते क्योंकि डेसिमल के बाद और बार से पहले कोई भी डिजिट नहीं है. डेसिमल के बाद बार से पहले कोई डिजिट नहीं है, तो दो ही डिजिट नाइन नाइन की डिजिट हो गए, हटा दिया मैंने. अब क्या लिखा है? राइट द नंबर फाउंड बाय रिमूविंग डेसिमल एंड बार. नंबर क्या मिला मुझे? 447. नंबर मिला 447. अच्छा, राइट द नंबर फाउंड बाय डिजिट गिवन विदाउट बार. क्या दे रखा है? ओनली 4. मैंने क्या लिखा है? ऑल्सो रिमूव डेसिमल. क्या दे रखा है? देखो नंबर कैसे फॉर्म होगा, बार नहीं लेना है. राइट नंबर फाउंड बाय डिजिट गिवन विदाउट बार, रिमूव डेसिमल. क्या हो गया आंसर? आ गया मेरे पास. अच्छा, इसकी बात करते हैं तो आप देख लो क्या डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? दो डिजिट हैं. डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं, बार कितने पे है? एक के ऊपर बार है तो नाइन आ जाएगा. विदाउट बार क्या है? जीरो. 90 नीचे आ गया. नंबर फॉर्म विदाउट बार और रिमूविंग डेसिमल क्या हो गया? 447. अच्छा, राइट नंबर फॉर्म बाय डिजिट गिवन विदाउट बार. दोबारा देख लो, विदाउट बार ये हटा दिया मैंने, डेसिमल हटाया. क्या मिला? 44. तो क्या आंसर आ गया मेरे पास? मेरे पास आंसर आ गया 403/90. जो कट रहा है उसको आप काट सकते हो, जो कट रहा है उसको आप काट सकते हो. वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्ट कंपटीशन में मिलेगा और आप इसके ऊपर जो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है उसके सोल्यूशन करने में हर बच्चे को मजा आता है. वी ऑल एंजॉय सॉल्विंग क्वेश्चंस, बट द सेम क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व बाय सम स्टूडेंट इन जीपी इन 10 seconds. एंड इफ यू आर टेकिंग 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes और आधा घंटा भी ले लिया आपने, सो इट इज ऑफ नो यूज, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम. सो आपने देखा, इफ यू आर नॉट नोइंग दिस कॉन्सेप्ट आप एग्जाम में पीछे रहने वाले हैं. और ऐसे ही कई सारी ट्रिक्स हैं. ये ट्रिक बनी नहीं है, ये जो लॉन्ग मेथड है उसी को देखते हुए बनाया गया. आओ लेट अस सी, मैं एक लॉन्ग मेथड वाला भी करूंगा फिर उसको छोटा क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा. लेट अस सी, जो फर्स्ट 3 एग्जांपल्स हैं वो तो मैं ऐसे ही करूंगा डायरेक्ट, उसके बाद मैं आपको थोड़ा एलिब्रेट करूंगा दोबारा से. सो देखो पहला एग्जांपल मैं कैसे लिख सकता हूं, बार कितने के नीचे है? एक के ऊपर है तो नाइन आने वाला है. डिजिट विदाउट बार कितने हैं आफ्टर डेसिमल? डिजिट विदाउट बार आफ्टर डेसिमल एक है तो जीरो आ गया. अच्छा, नंबर क्या बन रहा है डेसिमल वो हटाने से? 32. डिजिट विदाउट बार 29/90. आप देखो कितना कम टाइम लगा इसको देखो आप, कितने डिजिट डेसिमल के बाद? 3. तो नीचे 3 डिजिट आने वाले हैं लेकिन डिजिट विदाउट बार कितने हैं? 2 डिजिट है. डिजिट विद बार कितने हैं? 1 डिजिट है. नंबर क्या फॉर्म हो रहा है? ये विदाउट बार क्या नंबर फॉर्म हो रहा है? क्या आंसर आ गया? 111 by 900. सो अब आपका भी टाइम सेव हो रहा होगा. इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बिना कुछ बोले 999/30352-3. देखो डायरेक्ट कितने आसानी से. अब अगेन द सीरीज इज मेंट फॉर द कंपिटिटिव नेचर, डू नॉट कंपेयर इट विद रेगुलर स्कूल. डू नॉट कंपेयर दिस क्लास विद रेगुलर स्कूलिंग. ठीक है, रटना नहीं है समझना है, रटना नहीं है. डोंट रिक्वायर मगिंग अप. कॉन्सेप्ट देखो आप, कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे देखो. अभी आप ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया है,
अब आप देखना जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको अगर मैं स्कूल में करता, इस क्वेश्चन को मैं स्कूल में करता तो मैं क्या करता, इसको एक्स कोल में लेता ये, फिर मैं क्या करता इसको 10 से डिवाइड करता, 10 से मल्टीप्लाई करता और ये मेरे पास क्या हो जाता 14.2। क्यों करता, क्योंकि डेसिमल के बाद विदाउट बार वाले डिजिट कितने हैं, डेसिमल के बाद क्या करेंगे आप लोग, फिर ये क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं इसको फिर दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अच्छा जब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 90x, और ऊपर में से जब नीचे माइनस करूंगा तो मेरे पास 140 माइनस 14 अपॉन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा जब मैं इसको निकालूंगा तो ये तो बच गया मेरे पास 128 और ये हो गया 90। काट के लिखना चाहेंगे हम लिख भी सकते हैं, काट के कितना आएगा ये आप देख लो, ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है। वन सॉरी देयर, ये मैंने यहाँ पे क्या क्या ले लिया, सॉरी 14, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअल में ये सॉल्व हो गया है, दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व, दिस हैज बीन नॉट सॉल्व, तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ। इसको मैंने क्या लिखा, x की वैल्यू मेरे पास क्या है 4.32 बार, मैं इसको बार हटा के क्या लिख सकता हूँ 22। अच्छा अब मैं, मुझे पता है डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 43। अच्छा अब बार आ चुका है मेरे पास, तो अब मैं 100 का मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये चीजें आ जाएंगी। अब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 90x, और ये देखो 32 माइनस 43 तो क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास क्या बचेगा 349। कितना बचेगा देखो, क्या जब मैं माइनस करूंगा क्या बचेगा 9389, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 389/90। ये क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका, ये स्कूलिंग में है हमारा, थोड़ा लिख के लैंग्वेज लिख के, लेकिन वो भी स्कूलिंग में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को करने का तरीका एक ये भी हो सकता है, क्या मैंने आपको बताया था इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट को अलग किया जाएगा, तो अगर ये एक्स है मेरे पास, ये एक्स है, इसके मैं इंटीग्रल पार्ट को क्या अलग कर दूं, इसको मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, देखो मैंने अलग कर दिया, तो जब मैंने इसको अलग कर दिया तो ये तो ऐसे लिखा रहेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेसिमल के बाद क्या है, कितने के बाद बार है, दो के बाद, तो नीचे दो पॉइंट आने वाले हैं, इसका मतलब दो डिजिट भरे जाएंगे तो क्या मतलब हुआ इसका, एक के बाद एक के ऊपर बार नहीं है और एक के ऊपर बार है। अच्छा अब नंबर क्या मिला, 32 विदाउट रिमूविंग डेसिमल एंड बार, और ये क्या हुआ, क्या माइनस किया हमने इसमें से, 3/3 तो है इसमें, तो क्या क्वेश्चन आ गया मेरे पास, ये बच गया मेरे पास 29/30। अच्छा आज जब मैं इसको इंटू करूंगा तो मैं ये क्या हो जाएगा 360 भाई, ये यही तो आएगा 29। एक इसका तरीका ये भी है, 360 + 29/90, आंसर देखो 389/90 आया। आप स्कूल में इससे भी कर सकते हैं, कोई मेथड कर सकते हैं, और कंटिन्यूटी अप्रोच भी मैंने आपको बता दी है, इस तरीके से कैसे, दोबारा देख लो आप लोग, दोबारा एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ, दोबारा जिसको देखना हो वीडियो पॉज करके देख लेना। जो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इस क्वेश्चन को मैंने लिखा 15+, ये स्कूल की अप्रोच बता रहा हूँ मैं आपको, तो लेकिन अगर डाउट होता है तो ये 15 हो गया। अच्छा ये अब जो हमने सीखा हुआ है कम्पिटिटिव अप्रोच, अगर इस पे लगा देते हैं 7.12 पे बार है तो क्या हो जाएगा 9, क्योंकि दो के ऊपर बार है तो 99 और एक के ऊपर बार नहीं है 0, और 712 में से क्या घटेगा, 712 में से हम घटाएंगे 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 705 × अच्छा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे भाई क्या आएगा,
यही तो आने वाला है, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 × 990 प्लस 705 990, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया जो हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये तो जीरो हो गया, 9 15 9 135 13 लगा 135 और वो 148 प्लस 705 भाई 990, और जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 55 और फिर अगेन 515 ये आ जाएगा, और इसको आप काट लेंगे, इसको आप लोग काट लेंगे, इसको ये क्वेश्चन फर्दर भी कट सकता है, आपको काट के लिख लेना, लेकिन जो हमने सीखा है, हमने सीखा है क्या सीखा है, क्या सीखा है हमने, एक लाइन में आंसर क्या, ऊपर नीचे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3, तो 3 डिजिट आने वाले हैं, अच्छा ओके, बार कितने पे है, 2 पे है, तो 2 9 आए, ठीक, कितने पे 0, कितने पे डेसिमल के बाद बार नहीं है, 1 के बाद बार नहीं है, ठीक, अच्छा नंबर बार और रिमूव, बार और डेसिमल को रिमूव करने के बाद क्या बना, 15712, ठीक, माइनस ये नंबर बना, माइनस वो नंबर जो बार और हम लोग क्या मिटा दें, डेसिमल हटा दें, मतलब जो नंबर मिल रहा है हमको डेसिमल हटाने के बाद, बार वाले डिजिट हटाने के बाद, तो क्या आंसर आया देखो आप, ये 5, फिर 5, 5, 5, तो सेम आंसर आ रहा है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच, सो होप यू हैव अंडरस्टूड द आइडिया, एंड अभी भी बार का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है बेटा, आई विल टेक 2 or 3 मोर क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज फॉर डिस्क्राइबिंग बार, एंड यू कैन सॉल्व एज मच एज क्वेश्चन फॉर बार, और हर कंपटीशन में बार का एक क्वेश्चन आता है जिसको हर बच्चा सॉल्व करके आता है और खुश हो गया आता है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन जो बच्चा बार के क्वेश्चन पे अगर 30 सेकंड से ज्यादा ले रहा है उसको खुश होने की जरूरत नहीं है, फॉर कंपटीशन You are in class 9th or 10th and very recently you have to face exams. 2 साल हैं आपके पास, 3 साल हैं, आपको NDE का एग्जाम देना पड़ेगा, तो ये if you start early you will reach your goal very soon. Okay, so let's finish with this. अगले में कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट लेके मिलेंगे. See you in the next video. Till then, bye bye. Hope you are enjoying my classes.